नमस्कार, माइज परफेक्ट रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं उत्पम। तो इसके लिए ये एकदम हेल्दी नाश्ता है, तो आप घर पे जरूर ट्राई करके देखना। इसके लिए मैंने एक बाउल सूजी ली है, ये अच्छी तरह छान कर साफ़ की हुई है। अब हमने डाला है एक चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें जाएगा 4 चम्मच दही, ये खट्टा दही है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालना है, नहीं तो बैटर हमारा ये पतला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें पानी ऐड करना है। और अच्छे से इन्हें मिक्स करना है। अब इसमें हम डालेंगे 2 प्याज जो हमने छोटे छोटे कट कर लिए थे, और 2 छोटे टमाटर जो हमने वो भी छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिए थे वो डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 शिमला मिर्च। अब जाएगा इसमें धनिया, अब 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह हमने बैटर तैयार कर लिया है उत्पम का। अभी 1 पाउच इन्नू का डालेंगे, अब एक्टिवेट होने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए सूजी फूल गई है अच्छे से। अब हमने नॉनस्टिक तवा लिया है, इसको हल्का सा हम ऑयल लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाना है। अब इसमें हम जो बैटर बनाया था वो डालेंगे, 2 चम्मच हमने बैटर डाला है, और इसको अच्छे से फैलाना है, कहीं मोटा या पतला ना हो जाए, एकदम बराबर में इसे फैलाना है आराम से। गैस का फ्लेम हमें मीडियम में रखना है, अगर हाई रखेंगे तो ये चिपकने का डर रहेगा। और अच्छे तरीके सेट कर दीजिए। अब इसको स्टीम देने के लिए एक ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर ये उत्पम बना है। और इसको हम पलट देंगे, ये ऊपर से एकदम ड्राई ड्राई सा हो गया है, तो इसका मतलब ऊपर से ये तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा ये उत्पम हमारा बन के तैयार हुआ है। इसके हल्का सा ऊपर हम ऑयल लगा देंगे। फ्रेंड्स, आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करके देखना, आपके घर में जो बच्चे हैं बड़े हैं सब इनको बहुत पसंद करेंगे, और आपसे बार बार में यही नाश्ता बनवाएंगे कि एकदम हेल्दी नाश्ता और कम ऑयल का नाश्ता है। और वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है, तो ऐसा नाश्ता गर्मा गर्म तो बनता ही है। इस तरह आपको एक और हम उत्पम बना के दिखाएंगे। ऐसे ही हम 2 चम्मच ये बैटर लिया है, ये नॉनस्टिक तवे पे डाला है, इनको एकदम भी बराबर बराबर में रखना है, कहीं मोटा पतला ना हो, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। और इस तरह ये भी तैयार हो गया है, कहीं से भी नहीं फटा है, नहीं टूटा है, कुछ भी नहीं हुआ है, इतना अच्छा हमारा ये उत्पम बन के तैयार हुआ है। एकदम आसान तरीके से बनने वाला नाश्ता है, और बहुत जल्दी 5 मिनट में ये नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। और बच्चों के टिफिन में भी आप ये डाल सकते हैं, बच्चे बहुत खुश होके ये नाश्ता करेंगे, बहुत पसंद आएगा।
और इस तरह हम एक एक करके हमारा जो जितना भी हमने बैटर तैयार किया है एक एक करके हम सब ये बना लेंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जिस किसी ने सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।